rolling up black windows when she go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. But wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the gun down. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Just wait to let the bullets fly, I'm the last one to die. सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल क्रिएटिव होम्स। आज हम फिर से आ गए हैं आपके लिए लेके ईस्ट फेसिंग का इंडिपेंडेंट बिल्डर फ्लोर, जो कि है 2400 स्क्वायर फीट यानी कि 260 गज का। बहुत ही सुंदर बिल्डर ने फ्लोर बना के दिया हुआ है आपको। मैं आपको इसका प्रॉपर ओवरव्यू करा देता हूँ। अब सबसे पहले मैं इसका आपको डाइनिंग एरिया के अंदर इंस्टॉल जो है आपका क्रॉकरी यूनिट प्लस मंदिर, यह आपका प्रॉपर एक सी थ्रू मिल जाता है कम्प्लीट ड्राइंग और डाइनिंग लिविंग एरिया का। उसके साथ आपको साइड में यहाँ पे कंसोल देखने को मिलता है। फिर आ जाता है हमारा ये किचन। किचन 100% वास्तु के हिसाब से बनाया हुआ है, एल शेप का, जो कलर कॉम्बिनेशन है वास्तु के अकॉर्डिंग है। सारा का सारा लेकर्ड ग्लास फिनिश में काम किया हुआ है। साइड में आपको पेंट्री यूनिट मिल जाता है। अब मैं आपको इसका डिश वॉशिंग एरिया दिखा देता हूँ, जो कि बहुत ही प्राइवेसी फैक्टर के साथ बना रखा है। एल शेप देने के बाद यहाँ आपको स्टोरेज भी देखने को मिलती है। अब हम बाहर की तरफ चलते हैं, ये एक प्रॉपर वॉक थ्रू है। मैं इस पर आपको क्लोज़ेट का साइज़ भी दिखा देता हूँ। ये एक्चुअल क्लोज़ेट का साइज़ आता है। बिल्डर फ्लेक्सिबल है, अगर आपको किसी भी तरीके का पार्टीशन या कुछ भी ऐड कराना है तो वो हो जाएगा। ये आपको OTG माइक्रोवेव के स्पेस देखने को मिलता है। यहाँ आपको बिल्डर हॉब और चिमनी दोनों लगा के देता है, ग्लेन कंपनी का, 10 ईयर्स की सर्विस वारंटी के साथ। अब मैं आपको इसके बेडरूम का ओवरव्यू करा देता हूँ। यहाँ आपको 100% डिज़ाइंड फॉल सीलिंग के साथ स्टोरेज प्लस बेड्स विद वॉल क्विल्टिंग आपको देखने को मिलती है। ये आपको सामने टीवी पैनल प्लस वार्डरोब्स देखने को मिल जाते हैं। साथ में आपको ड्रेसिंग यूनिट है। मैं इसकी डेप्थ दिखा देता हूँ, 22 इंचेस की स्टैंडर्ड डेप्थ ऑफ वार्डरोब विद लॉफ्ट एरिया। यहाँ आपको जैगवार फिटिंग्स के साथ वॉशरूम मिलते हैं देखने को, विद शावर्स जो कि रेन शावर्स हैं। ये प्रॉपर इसका वॉक थ्रू है। यहाँ पर आपको ड्रॉर्स देखने को मिलते हैं। ऑटोमेटिक लाइटिंग के साथ है ये सारा, प्रोफाइल लाइटिंग के साथ। इसके बेड की जो एक्चुअल लेंथ है वो 6.5 फीट है। ये आपका आ गया सेकेंड बेडरूम। सेकेंड बेडरूम में अगेन फॉल सीलिंग की अगर मैं बात करूँ, वापस से डिज़ाइनर फॉल सीलिंग विद विनियर वर्क एंड लाइटिंग एट जॉइंट। यहाँ आपको लूवर्स प्लस क्विल्टिंग का वर्क करा हुआ मिलता है। बेड्स आपको एज यूजल गिफ्ट मिलता है शैंडलियर फैंस के साथ। यहाँ आपको वापस से ट्रिपल वार्डरोब की स्टोरेज मिल जाती है। उसके लेफ्ट में आपको ड्रेसिंग का सामान रखने का स्पेस मिल जाता है। इस बेडरूम का जो ड्रेसिंग है वो वॉशरूम के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट है, वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। सारा का सारा प्रैक्टिकली डिज़ाइंड है। ये आपका वॉशरूम आ गया। वॉशरूम के अंदर आपको ड्रेसिंग टेबल साथ मिलती है, ग्लास के पार्टीशंस मिल जाते हैं शावर्स के लिए। दिस इज द एक्चुअल हाइट। अब हम चलते हैं थर्ड रूम की तरफ। थर्ड रूम में जाने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ लिविंग एरिया का प्रॉपर। ये आपको ग्लास कंसोल मिल जाता है। सामने आपको टीवी पैनल देखने को मिलता है, जिसमें 3 वॉल बहुत ही हैवी डिज़ाइन है। ये एक्चुअल टीवी पैनल का PU फिनिश में लुक है। ये आपको थर्ड वॉशरूम मिलता है, जो कि कॉमन प्लस अटैच वॉशरूम मिल जाता है ग्लास पैनल्स के साथ। ये आपका फ्रंट का फर्स्ट बेडरूम आ जाता है, बेसिकली दी थर्ड बेडरूम, जिसमें स्टोरेज की अगेन कोई कमी नहीं है। 4 पल्लों का आपको वार्डरोब देखने को मिलता है ऑटोमेटिक लाइट्स के साथ, जिसमें आप और हर बेड के साथ आपको साइड टेबल्स प्लस सेम 6.5 फीट की लेंथ के साथ। या आपको फ्रंट की बालकनी मिल जाती है, जो कि बहुत बड़ी रैप अराउंड बालकनी है। बिल्डर ने SS के डोर्स आपको ऑलरेडी लगा के दिए हैं, जहां आपको कम से कम 70 से 75 हज़ार रुपये का खर्चा बचा के चलते हैं बिल्डर आपके लिए। अब मैं आ जाता हूँ उसके फोर्थ बेडरूम की तरफ, जो कि कह सकते हैं एज अ गेस्ट बेडरूम भी आप यूज़ कर सकते हो। बहुत ही सुंदर तरीके से डिज़ाइन है। कलर कॉम्बिनेशंस की अगर मैं बात करूँ, सारे बेडरूम्स के कलर कॉम्बिनेशंस थीम अकॉर्डिंग वर्क है, बहुत ही सुंदर है। वाइब्रेंट कलर फीलिंग ले रखी है और न्यू एज का वर्क है। अगेन 100% वास्तु अकॉर्डिंग फ्लोर है, ईस्ट फेसिंग है, नीतिखंड 1 के अंदर ये फ्लोर अवेलेबल है।
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।